हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नॉर्मल पीरियड किसे कहते हैं? काफी ज्यादा फीमेल के सवाल होते हैं कि हमको 2 दिन पीरियड आ रहा है तो क्या ये नॉर्मल है, या फिर हमको 7 दिन ब्लीडिंग चल रही है तो ये नॉर्मल है या नहीं है, या फिर हमको पीरियड में पेन हो रहा है ये नॉर्मल है या नहीं है। इस तरह के काफी ज्यादा आपके सवाल आते हैं, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल पीरियड क्या होता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें जिससे कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल सके। जैसे सबसे पहले सवाल लेडीजों का आता है कि नॉर्मल पीरियड में ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है, यानी कि कितने दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल। तो 2 से 7 दिन के बीच ब्लीडिंग आपको हो रही है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। 2 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, लेकिन 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग आपको होना नॉर्मल नहीं है, और 2 दिन से कम ब्लीडिंग होना भी नॉर्मल नहीं है। 2 दिन से कम ब्लीडिंग हो रही है, 7 दिन से ज्यादा चल रही है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। उसके पीछे कई ऐसे कारण होते हैं जिससे कि आपको जो है पीरियड कम आ रहा है या फिर ज्यादा आ रहा है। इसके अलावा दूसरा सवाल लेडीजों का ये होता है कि पीरियड में ब्लीडिंग कितनी होनी नॉर्मल है। देखिए, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो 5 ml से आपकी 80 ml तक हो सकती है, यानी कि 5 ml से 80 ml के बीच हो सकती है। लेकिन अगर किसी फीमेल को इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि उनको हर दूसरे तीसरे घंटे में पैड बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर ब्लीडिंग आपको काफी क्लॉट्स मार रही है, काफी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और 7 दिन तक भी इसी तरह की ब्लीडिंग लगातार चल रही है, या 7 दिन बाद भी आपको ब्लीडिंग नहीं रुकी है, 8 दिन 9 दिन इस तरीके से चलती जा रही है और उसमें काफी क्लॉट्स भी आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं मानी जाती। इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। एक और सवाल ये आता है कि जो पीरियड है उसमें पेन होना नॉर्मल है, हम ही को पेन हो रहा है या फिर हर फीमेल को इस तरीके से पेन होता है। तो पीरियड में पेन होना कॉमन है, क्योंकि आपकी जो यूट्राइन लाइन होती है, इंटरनल जो लाइन होती है, वो सेड आउट होती है, वो झड़ रही होती है, कारण कि आपकी ब्लीडिंग आपको होती है, क्रैम्प आपको आते हैं, हल्के फुल्के मरोड़े आपको आते हैं। तो जो ये दर्द है वो फर्स्ट 24 घंटे में बना रहता है, यानी कि 24 घंटे दर्द आपका सबसे ज्यादा रहता है, उसके बाद दर्द कई लेडीजों को खत्म रहता है, लेकिन कुछ लेडीजों को जो है ये जितने दिन तक उनको पीरियड रहती है उतने दिन तक दर्द बना रहता है। अगर आप दर्द को टॉलरेट कर पा रही हैं तो ये कॉमन है, ऐसा हर फीमेल को होता है। लेकिन आप दर्द को सहन नहीं कर पा रही हैं और हर बारी आपको जब भी पीरियड आता है आपको पेन किलर की आवश्यकता पड़ती है, इतना पेन आपको होता है, और जितने दिन आपको रहती है 5 दिन 7 दिन उतने दिन आपको लगातार दर्द बना रहता है, तो ये बिल्कुल कॉमन नहीं है। इसके पीछे भी कारण हो सकता है, आप चेकअप करवाइए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और इसके पीछे का कारण जानिए और ट्रीटमेंट करवाइए। इसके अलावा लेडीजों का एक सवाल ये भी होता है पीरियड के पीछे कि कितने दिन बाद दूसरा पीरियड आना नॉर्मल है, यानी कि जो इन बीच की साइकिल है वो कितने दिन की होना नॉर्मल है। हमारी 35 दिन की साइकिल है, यानी कि 35 दिन बाद ब्लीडिंग आ रहा है, तो क्या ये कॉमन है, या फिर 15 दिन बाद आ रहा है तो ये नॉर्मल है या नहीं है। तो देखिए, नॉर्मली जो मोस्टली लेडीजें होती हैं उनकी साइकिल 28 से 32 दिन की होती है, यानी कि मोस्टली लेडीजों की 28 से 32 दिन की होती है, जो कि बिल्कुल कॉमन है। इसके अलावा आपको 1 हफ्ते पहले भी पीरियड आ सकता है, यानी कि 1 हफ्ते यानी कि 21 दिन में भी आपको पीरियड आ सकता है, क्योंकि 5-7 दिन ऊपर नीचे कभी हो सकता है। हर महीने ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स डेट पे ही पीरियड आए, कभी कभार आपको 5-7 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी साइकिल 21 दिन से कम की है, यानी कि 21 दिन से पहले पहले आपका पीरियड आ जाता है, और आपका 35 दिन से लेट आता है आपका पीरियड, तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता है। यानी कि 21 दिन से पहले पहले अगर आ जाता है, कभी 20 दिन में, कभी 15 दिन में, हर महीने कोई फिक्स नहीं है, तो वो इरेगुलर पीरियड में माना जाता है। इसी तरीके से 35 दिन के बाद पीरियड आना ये भी नॉर्मल नहीं माना जाता, यानी कि कभी 35 दिन में, कभी 40 दिन में, कभी 45 दिन में इस तरीके से आपका पीरियड आ रहा है, 1.5 महीने में 2 महीने में, तो ये भी इरेगुलर पीरियड में माना जाता है। इसके पीछे कारण जानने के लिए आपको चेकअप करवाने चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और इसके पीछे कारण जानना चाहिए और उसका उचित ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ नॉर्मल पीरियड के बारे में आप समझ गए होंगे कि कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए, कितने दिन तक चलनी चाहिए, और पेन होना नॉर्मल है या नहीं है, और कितने दिन की साइकिल नॉर्मल है। उम्मीद करती हूँ आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम इस तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करके रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।